कहते हैं अगर मन में सच्ची लगन और हौसला हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ये सच कर दिखाया है रुद्रप्रयाग जिले से सटे गांव सौड उमरेला की बबीता रावत ने। छोटी सी उम्र में बबीता रावत ने अपने और अपने परिवार के लालन पालन के लिए खेतीबाड़ी की शुरुआत की। जिस उम्र में लोग रोजी रोटी के लिए पलायन कर जाते हैं, उस उम्र में हिंदी मैमे कर चुकी बबीता रावत पूरे जिले के लिए नजीर बन गई है। साल 2017 में बबीता ने मशरूम उत्पादन से अपना काम शुरू किया, जो आज महीने के 15,000 से 20,000 रुपए की कमाई तक पहुंच गया है। बबीता आज लोगों को खेती के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। जब पहले खेती करती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या ये लड़की कर रही है। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो लोगों ने देखा कि हाँ, सब्जियों से काफ़ी सारा, भले हम मेहनत करें, खेती से काम खेती करें, तो जितना उनको पारंपरिक खेती करके नहीं मिल रहा है, उतना सब्जी से हमें, अगर हम 2-4 किलो भी सब्जी बेचें तो हमें उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो लोग मुझे देखते हैं, गांव में देखते हैं, तो आज हमारे गांव में ये स्थिति है कि हर किसी के परिवार में अपने अपने लिए वो सब्जियां तैयार करते हैं, और अपने ही गांव की बात न करते हुए हम पूरे जिले में जहां भी लोगों को ज़रूरत होती है, जहां भी हम देखते हैं कि हाँ, यहां पे लोग इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, सब्जी उत्पादन में काम करना चाहते हैं या बगीचा लगवाना चाहते हैं मशरूम, तो हम उन लोगों को जा के ट्रेनिंग देते हैं विभाग के माध्यम से, कभी कभी खुद भी के उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं जहाँ पे उनको समस्या आती है। तो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, अपने ही जिले में नहीं, हमने बहुत सारी, मैंने ट्रेनिंग चमोली में भी मशरूम की कराई है, जिससे कि आज हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं जो मशरूम और सब्जी उत्पादन का काम कर रही हैं। खेती करती हूँ तो मुझे मशरूम और सब्जी उत्पादन से मंथली 15,000 से 20,000 की इनकम हो जाती है। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित बबीता रावत के पिता सुरेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब ही रहती है। ऐसे में बबीता ही उनकी दवाई का खर्च भी उठाती है। बबीता पूरे परिवार में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। काफ़ी टाइम से, पहले जब छोटी थी, 8-9 में पढ़ती थी, तब से उसने हल लगाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी का काम, मशरूम का काम, हल लगाने का काम वही करती है। पापा की तबीयत खराब रहती तो इसलिए वही पहले से करती है। घर परिवार के लिए एक सपोर्ट है, हमारा बड़ा भाई जैसा है, और काफ़ी कुछ कर रही है घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए हिम्मत है। तो पापा हार्ट की प्रॉब्लम है तो पापा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो पूरा मतलब घर संभाल रही है, बड़े भाई की तरह है हमारी। इस छोटी सी उम्र में बबीता रावत गाँव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक नज़ीर बन गई है। बबीता के इस काम की हर कोई बस तारीफ कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।